भारत ने बहुत ही आला मैच जीता। बड़ा प्रेशर वाला ये मैच था क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी, मगर मुकाबला जीत लिया और मुकाबला जीता उन्होंने शानदार डिफेंसिव बॉलिंग की वजह से वेट कंडीशंस में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की तरफ से। मगर सबसे पहले बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की। इंस्पायर्ड सिलेक्शन थी, बैटिंग जब वो करने गए तो पेस बॉलिंग के अगेंस्ट उनका कड़ा इम्तहान था और उन्होंने शानदार बैटिंग की। उन्होंने राशिद बार बार कह रहे हैं कि स्काई ने परफॉर्म किया, यार इसको आप परफॉर्मेंस कहेंगे? दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जिस दिन लॉग ये खेलता है ना, उसे सारे काम छोड़ दे। बहुत अच्छी, मतलब ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, और बहुत जल्दी पिक कर लेता है। पिकअप शॉट जो इधर जो है ना, वो तो बहुत ही यार है। पकड़ के अफगानिस्तान का घंटा बजाया, मतलब जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की या फिर जिस तरह की इंडिया ने अफगानिस्तान के स्पिनर्स को टैकल किया, इन्होंने बड़े आसानी से ये मैच जीता। बड़ा कहले के साथ साथ लेके और एकदम उन्होंने इसको खत्म कर दिया है और उन्होंने अपनी कहले के सुपीरियरिटी जो है वो दिखाई है। मैं बता दूं, वो लोग जो है ना, वो लोग गलत करते हैं, वो लोग जहालत करते हैं जो सूर्या कुमार के साथ T20 क्रिकेट में किसी का भी नाम लाते हैं या मिलाने की कोशिश करते हैं। अबे भाई ये कैफियत है, ये पागल है, इसको बैन कर दो। ये कैसे मान लेता है? मैंने तो कुछ ऐसे शॉट देखे, इसके मुंह पे बॉल लग रही है और इसने लिलेट के गिर के पीछे छक्का मार दिया। जसप्रीत बुमराह ने बताया कि प्लैसिड पिच के ऊपर भी वो एक खतरनाक बॉलर साबित हो सकते हैं। बहुत आला इन स्विंग आउट स्विंग, लेंथ बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की। देखिए, बड़े कम दुनिया में बॉलर्स हैं जो कि इकोनॉमिकल भी हैं और विकेटें भी लेते हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे आज बात नहीं करूंगा, वो तो करते ही रहते हैं, जिसको भी खिलाओ वो परफॉर्म करता है। बात सीधी सीधी ये है कि ये टीम जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज सुपर 8 का मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 185 रन का लक्ष्य दिया अफगानिस्तान की टीम को। और दोस्तों, इस पारी में भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी खेली है, जिसको देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा सूर्य कुमार यादव की तारीफ कर रही है और जमकर तारीफ कर रही है और बता रही है कि सूर्या जैसा बल्लेबाज T20 में कोई भी नहीं है, सूर्या से जो कंपेयर करता है वो चूतिया है। और दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी में फिर से जब भारतीय टीम की गेंदबाजी आई, तो दोस्तों गेंदबाजी में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो अक्षर पटेल, जिस तरह से दोस्तों एकदम ब्रिलियंट गेंदबाजी रही है दोस्तों भारत की तरफ से, जिसको देखकर दोस्तों रमेश रजा और पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया भड़क चुकी है और भारत की जमकर तारीफ कर रही है और भड़क चुकी है अपनी पाकिस्तान की टीम पर और अपनी पाकिस्तान की टीम को जमकर रेल रही है। भारत ने बहुत ही आला मैच जीता। बड़ा प्रेशर वाला ये मैच था क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी, मगर मुकाबला जीत लिया और मुकाबला जीता उन्होंने शानदार डिफेंसिव बॉलिंग की वजह से वेट कंडीशंस में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की तरफ से। मगर सबसे पहले बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की। इंस्पायर्ड सिलेक्शन थी, बैटिंग जब वो करने गए तो पेस बॉलिंग के अगेंस्ट उनका कड़ा इम्तहान था और उन्होंने शानदार बैटिंग की। उन्होंने एडवेंचरस दिखे, क्लासिकल भी दिखे, लंबी इनिंग्स खेली और उनकी जो हिम्मत, हौसला और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया एक्सट्रीम पेस को, उससे सारा डग आउट एक तरह से खड़ा हो गया और प्रेशर ट्रांसफर हो गया। मगर ऋषभ पंत स्टार्ट एंड मिस, बहुत अच्छा स्टार्ट लेते हैं मगर उसके बाद फिर वो बुल्स आई पे हिट नहीं करते हैं और आउट हो जाते हैं। 20-25 अच्छे रन्स कर रहे हैं, ऊपर के नंबर पे ये खेलते हैं, सो वहाँ पे इनका रोल जो है वो लंबा होना चाहिए। एक कैमियो के बजाय उनको 50 रन्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि टैलेंट उनमें बेइंतहा है। सो और थिंक टैंक भी उनको बैक कर रहा है। सो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी एक दफ़ा फिर उनकी तरफ से देखने को मिली कि सेट होके आउट। यार सूर्य कुमार यादव T20 का वाकई में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको अगर आप कहोगे 30-35 बोलोगे ना 100 मारो तब भी मार लेगा, अगर फंसा हुआ मैच भी जीतने को बोलोगे ना तभी स्काई आपको मैच जिता के दिखा देगा। देखिए, टीम इंडिया वाले क्रिकेट से करते हैं प्यार, वो जीत की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें कोई परवाह नहीं, हमने अपने मुल्क के लिए जीतना, अपने मुल्क के लिए ही काम करना है सारा। यार जो आज हमें बॉलिंग देखने को मिली है, आज जो इंडिया ने बॉलिंग की है यार, आज एक चीज को मानना पड़ेगा। देखिए, जो भी है ये सच है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो इतना दम रखते हैं, उनकी टीम कोलैप्स कर जाए लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का कमबैक करते हैं, ये मानना पड़ेगा। और आज अगर मैं बात करूं सूर्या कुमार यादव की, सूर्या कुमार यादव का तगड़ा किस्म का स्टार्ट हुआ। जो भी है, सूर्या ने बताया कि भाई आप मेरा मजाक नहीं बना सकते, आप ये नहीं कह सकते मैं चलता नहीं। सूर्या कुमार यादव ने आज दिल तो जीता, इसमें कोई शक नहीं है, साथ उसने अपनी क्लास भी दिखाई है। रोहित फेल, कोहली फेल, पंत फेल, लेकिन बैक टू बैक 50 मारे हैं किसने? सूर्या कुमार यादव ने। यकीन करें, एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है 140-150 कर पाएगा, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने इस मैच में कमबैक की है, हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ की है उतनी कम है। ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म था लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ इसकी फॉर्म भी आ गई। सूर्या कुमार यादव लगातार 250 इसने मारे हैं,
ये होती है क्लास भाई, ये होती है बात के मतलब कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके दिखाओ। 2022 में भी इसने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई थी, अब दोबारा करके दिखाई। और स्पेशली मुझे इसने जिसे कहते हैं ना चुप करवाया, क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सूर्या जो है ये रिलायबल नहीं है, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने इसमें कोई शक नहीं है। पिछले मैच के अंदर भी मेरा मुंह बंद किया, इस मैच के अंदर भी सूर्या कुमार यादव ने मेरे मुंह को बंद किया है। और अब मैं सूर्या कुमार यादव को कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि मैं सूर्या को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने इस वर्ल्ड कप तक बात कर रहा हूँ, उसने इस वर्ल्ड कप के अंदर दो मैचेस में आपको बचा लिया। जसप्रीत बुमराह ने बताया कि प्लेसेड पिच के ऊपर भी वो एक खतरनाक बॉलर साबित हो सकते हैं, बहुत आला इन स्विंग आउट स्विंग, लेंथ बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की। देखिए बड़े कम दुनिया में बॉलर्स हैं जो कि इकोनॉमिकल भी हैं और विकटें भी लेते हैं, डबल प्रेशर क्रिएट होता है। और ये नहीं कि क्योंकि रन नहीं देते हैं तो ऊट पटांग शॉट मार के विकटें लेते हैं, क्या के विकेट्स लेते हैं और अकलमंदी के साथ बॉलिंग करते हैं, लेंथ बॉल करते हैं, बॉडी को फॉलो करते हैं, विकेट्स को फॉलो करते हैं, रूम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आज उन्होंने चार बल्लेबाजों को खड़का दिया। तो अब चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच के। उनकी परफॉर्मेंस पे आज बात नहीं करूंगा, वो तो करते ही रहते हैं, जिसको भी खिलाओ वो परफॉर्म करता है। बात सीधी सीधी ये है कि ये टीम जीत क्यों रही है, इसके पीछे क्या ऐसी प्लानिंग है, क्या ऐसी सोच है, क्या अप्रोच है, क्या सिस्टम है कि ये टीम जीत रही है। ये टीम पहले नंबर T20 में भी है, रैंकिंग में, वनडे में भी फर्स्ट पे है, टेस्ट में भी फर्स्ट में, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है ना। मतलब अगर एक टीम जो है वो तीनों फॉर्मेट में पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली अपनी कंट्री में खेल के वो पहले नंबर पे है, वो डिफरेंट कंट्री में भी जाके है। उसका मैं रीज़न आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए एक 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 चीज़ देखें, अब आप देखें कि प्लेस किस तरह, प्लेस की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही हाई क्लास किस्म की है। सूर्या कुमार यादव शाइन्स टुडे अलोंग विद हार्दिक पांड्या। सूर्या कुमार यादव ने आज बहुत ही बेहतरीन और शानदार बारी खेली है। राशिद खान जो कि मोर और लेस सारे ही बैट्समैनों को तंग कर रहा था, लेकिन सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई। और सूर्या कुमार यादव ने अपनी जो 360 एंगल से वो खेलता है, खैर राशिद खान को तो बहुत अच्छे स्वीप मारे, स्लॉग स्वीप पे छक्का भी मारा, चौके भी मारे, उसको तो सेट होने ही दिया, उसको राशिद खान को सेट नहीं होने दिया सूर्या कुमार यादव ने, स्टिल ही मैनेज टू टेक क्रूशियल विकेट्स। और जो राशिद खान ने पंत के बाद फिर विकेट लिया कोहली का, और दुबे ने, देखें मैंने काफ़ी दुबे की बात की थी, जैसे मैं अभी टॉस पे आया था कि टुडे इज दुबेस डे, उसको आज परफॉर्म करना पड़ेगा। आगे कितना ही क्लासी शानदार छक्का मारा स्ट्रेट पे, लेकिन फिर अजीब सी गेंद पे, मतलब इतना बैकफुट पे जाके उसको अजीब सा कोई कट खेल रहा है क्या। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से रमीज रजा, राशिद लतीफ और दोस्तों बड़े बड़े पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी क्रिकेटर किस तरह से भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये भारतीय टीम का सुपर एट का मुकाबला था और इसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया। दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम चाहे भले पहले स्टार्टिंग में कुछ विकेट जरूर गिरा दी हो, लेकिन दोस्तों जिस तरह से बाद में भारतीय टीम ने खेला है, जिस खासकर सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया है दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये हजम नहीं हो रही है बात और बता रही है कि भारत जितना बड़ा क्रिकेट खेल रहा है वो दुनिया में कोई भी टीम नहीं खेल पाएगी। भारत के पास जितना नंबर वन बैट्समैन है, भारत के पास जितने नंबर वन गेंदबाज हैं, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है दोस्तों। इसीलिए भारत हर मैच जीत रहा है दोस्तों। जिस तरह से भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को हराया है और सुपर एट के मुकाबले को जीत कर फिर से वो आगे की ओर अपना जो महारत है वो आगे बढ़ा दिया, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि भारत हर मैच जीत क्यों रहा है, भारत जो परफॉर्म कर रहा है वो कैसे कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत हर फॉर्मेट में नंबर वन है, T20 हो चाहे ODI हो चाहे टेस्ट हो, और हर फॉर्मेट नंबर वन है, जिसको देखकर तनवीर अहमद भी बौखला चुका है और बता रहा है कि भारत जैसा क्रिकेट कोई भी टीम नहीं खेलती है, भारत ये टीम जीतती कैसी है, भारतीय टीम इतना परफॉर्मेंस कैसे कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा सवाल उठा रही है भारतीय टीम पर और भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।